हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाना स्मूदी बनाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी होगी और खाने में डिलीशियस है। तो नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हेल्दी बनाना स्मूदी को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने दो छोटे साइज़ के केले के छिलके को निकाल ली हैं। अब पीसेस में कट करें। एक चाकू से इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लें। अब एक ब्लेंडर जार लें, जार में इन्हें डालें। थोड़े बादाम डालें, थोड़े काजू डालें। दो तीन खजूर की बीज को मैंने निकाल ली थी, इसे भी ऐड कर दूंगी। एक टीस्पून शहद डालें, 200 ग्राम दूध डालें। अब एक साथ सभी को ब्लेंड कर लें। ये देखिए हमारी स्मूदी बनकर रेडी है। अब सर्व करें। इसे आप सुबह जिम के बाद या हल्की डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ी गार्निश के लिए चॉप किए काजू, चॉप किए आलमंड्स, चॉप किए हुए खजूर को डालूंगी। तो बस हमारी स्मूदी बनकर रेडी है। अब हाफ टी स्पून शहद को ऊपर से डेकोरेट के लिए डालूंगी। तो आप भी इसी तरह से मेरे इस हेल्दी स्मूदी को बनाएं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स बनके ये रेडी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपने व्यूज शेयर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करें इसे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जल्द ही नई इजी और हेल्दी रेसिपी लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।